गांधी कॉटन कंपनी बोडोली के पार्टनर रजनी भाई गांधी से commoditiescontrol.com ने कॉटन के प्राइस आउटलुक, टेक्सटाइल मिलों और एक्सपोर्टरों की डिमांड को लेकर के बात की। रजनी भाई, इस साल देश में कितना कॉटन पैदा होने का आपका अनुमान है और गुजरात की उसमें क्या स्थिति है? इस साल ओवरऑल इंडिया में 3,80,00,000 से लेकर 3,90,00,000 तक की आवश्यकता हो सकती है, और गुजरात में जो पिछले साल हुआ था उससे थोड़ा कम हो सकता है। इसकी वजह यह है कि जो पिछली लास्ट जो बारिश हुई उससे जो पहली फसल थी उसको बहुत थोड़ा सा नुकसान हुआ है। अभी दूसरी फसल आएगी तो उसको टाइम लगेगा 15-20 दिन, पर वो दूसरी फसल जो बहुत बढ़िया आएगी। पहली फसल भी बढ़िया थी पर ये बारिश गिरने की वजह से थोड़ा डैमेज हो गया, तो ओवरऑल गुजरात में 20-25% डैमेज हो सकता है। इसके हिसाब से गुजरात में जो पिछले साल गांठ हुई थी उससे 5-10-15% कम हो सकती है, ऐसे मेरी धारणा है। जी, बोडेली में जो जिनिंग प्रेसिंग फैक्ट्रियां हैं, क्या उनको इस समय जो रॉ कॉटन की उपलब्धता या जो मिल रहा है माल, वो पिछले साल के अनुरूप बराबर मिल रहा है या कम है, या किस प्रकार की आवक है इस समय यहाँ पर बाजार में? इस साल जो अभी ये टाइम है, पिछले साल ये टाइम था तो इस टाइम फुल अरेवल थी, अभी बहुत कम अरेवल है। अभी सब जिनिंग फैक्ट्री वाले को एक पाली यानी कि 12 o'clock भी जिनिंग फैक्ट्री नहीं चला सकते हैं। पिछले साल ये टाइम पे 24 आवर जिनिंग चल रही थी, इसलिए अरेवल बहुत कम है। 1-2-3 दिन का माल इकट्ठा करते हैं, उसके बाद एक शिफ्ट चलती है। ये जो अरेवल कम है उसकी वजह क्या है मुख्य? उसकी वजह जो पिछली लास्ट बारिश हुई ना, वो जो बारिश हुई उसके पहले सब माल तैयार हो गया था, पर बहुत ज़ोरों के बारिश हुई उसकी वजह से सब माल ख़त्म हो गया। तो उसके लिए नया माल की 15-20 दिन या 25 दिन की जो राह देखनी पड़ती है दूसरा फल आने के लिए, इसलिए ये टाइम पे आवक नहीं है। लेकिन क्या किसानों का मूड किस तरह दिखता है कि वो अपनी अरेवल को कब बढ़ा सकते हैं? किसानों को यहाँ जब भी किसान को भी मिलता है वो सबको हम बारी बारी पूछते हैं तो बताते हैं 15 दिन बाद 20 दिन बाद फूल अरेवल आएगी, ऐसा बोल रहे हैं। नहीं, लेकिन क्या ऐसा नहीं लगता कि किसान भी आजकल प्राइस में जो उतार चढ़ाव होता है उसको बहुत बारीकी से देखते हैं और वे ये चाहते हो कि हमें अपनी क्रॉप के बेटर प्राइस मिले, तो हम क्यों नहीं अरेवल को स्लो रखें? नहीं, ऐसा कारण कोई नहीं है, क्योंकि किसान लोगों को पैसे की ज़रूरत दिवाली के बाद होती है। वो उन लोगों ने जो बारिश के टाइम पे या उसके पहले जिन लोगों से पैसा लिया हुआ है वो देने का वादा उनको दिवाली या दिवाली के बाद का होता है, तो उनको ऐसा प्राइस में कोई दिखता नहीं है कि ये प्राइस मेरे को मिले। हाँ, उनकी थोड़ी इच्छा होती है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 का प्राइस मिले तो हमें अपना जो पिछले साल खर्चा कम था, इस साल पिछले साल की कंपैरिजन में खर्चा डबल है, तो ये डबल खर्चा जो है उसका भरण कैसे हो सकता है कि उनको प्राइस ज़्यादा मिले, तो इसलिए ज़्यादा प्राइस उनको मिले 4,900 या 5,000 तो भी किसान को पड़ सकता है। अगर ये कॉटन का भाव 4,200 या 4,000 के आसपास चला गया तो किसान को रोना पड़ेगा। इस समय एक्सपोर्टरों की डिमांड लगभग 20 तारीख तक पूरी हो जाएगी। हाँ। मिलों की डिमांड और एक्सपोर्टरों की डिमांड जो है निर्यातकों की, वो किस पर हम निर्भर करेगी कि आगे कब तक उनकी डिमांड आ सकती है या किस तरह से वो बाजार में आएंगे? अभी एक्सपोर्टर का तो ऐसा है कि या चाइना है या फिर और भी देश हैं, सब जगह पे डिमांड निकले तो एक्सपोर्टर करेंगे। अभी एक्सपोर्टर ऐसा बोल रहे हैं कि 20 तारीख को उनका लास्ट शिपमेंट है, उसके बाद 1.5 महीने तक कुछ नहीं है, तो 1.5 महीने तक एक्सपोर्टर माल लेने नहीं आएंगे। तो ये मिल वाले हैं, वो मिल वाले भी क्या करेंगे कि जितना ज़रूर होगा, अगर किसी मिल वाले को 100 गांठ की या 200 गांठ की हर रोज़ ज़रूरत पड़ती है तो वो कम से कम 10 दिन का माल लेके रखेंगे, 10 दिन बाद देखेंगे मार्केट में क्या है। वो मिल वाले का ऐसी सोच है कि जितना भी हो सके उतना कम प्राइस में वो माल मिले। जी, कॉटन के दाम अभी हम वर्तमान स्थिति में देखें तो कुछ गिरे हैं, जनवरी के बाद ये प्राइस किस तरह आपको अपवार्ड या डाउनवर्ड में देखने को मिल सकते हैं? मैंने मेरी लाइफ में देखा है कि जब
अराइवल कम होती है या क्रॉप कम होता है तब मंदी आती है, और अराइवल बहुत ज़्यादा आती है, फुल फ्लेज में आती है तो बहुत तेज़ी आती है। अगर जनवरी में एक्सपोर्टर की डिमांड बहुत रही और बाकी बाहर के विदेशों में उसकी प्राइस रही और सही प्राइस उनको मिला और डॉलर भी अच्छी तरह के बढ़ा, तो एक्सपोर्टर को जो डिमांड रहेगी एक्सपोर्टर की, तो उसके वजह से जनवरी में थोड़े भाव बढ़ सकते हैं। अगर दिसंबर में अराइवल बहुत ज़्यादा रही तो दिसंबर में भाव कम हो सकते हैं। ये कॉटन सीड में क्या स्थिति रहेगी अब आने वाले दिनों में? कॉटन सीड्स में भी जो वॉश तेल है वो स्टार्टिंग में जब स्टार्ट हुआ तो 660 रुपया था, आज 615 रुपया है, 45 रुपया की गिरावट एक महीने में आई है। अगर और कॉटन ऑयल गिर सकता है और सरकार ऐसा कुछ सोच सकती है कि भाई कॉटन इंपोर्ट करे, तो उसकी जो असर है ये कॉटन वॉश तेल पर पड़ सकती है। अगर कॉटन वॉश तेल और कोई भी तेल इंपोर्ट नहीं होगा तो ये कॉटन वॉश जो रहेगा, अभी सबको कॉटन वॉश कम मिल रहा है, सब डिमांड है, एनके वाला है, मारुति वाले, सबको कम मिल रहा है, उनको जितना चाहिए इतना वॉश नहीं मिल रहा है, तो उसकी वजह से ये भाव टिके हुए। अगर वो इंपोर्ट हो गया तो इसका असर वहाँ पड़ेगा, तो उसके भाव गिर सकते हैं। ये आपसे अंतिम सवाल कि आप APMC से भी यहाँ जुड़े हुए हैं, हाँ। तो जो किसान, जो गुजरात का जो किसान है वो, उसने कॉटन के प्रोडक्शन को एवरी ईयर बढ़ाया है, हाँ। तो उसका कॉटन की ओर रुझान करना, ये क्या वजह है कि वो कॉटन से ज़्यादा जुड़ते जा रहे हैं? उसकी वजह ये है, ये कैश की पैदाइश है। किसान को जब भी कैश पेमेंट चाहिए तो ये कॉटन लेके आएगा, तुरंत पैसा मिल जाएगा और तुरंत उनका काम हो जाएगा। बाकी सब जो पैदाइश है उसमें 5 दिन 10 दिन 15 दिन लग सकते हैं, और कॉटन तो आज ही लेके आया और आज ही पेमेंट लेके चला गया। इसकी वजह ये है कि जे उसको हमारे यहाँ हमारी भाषा में बोलते हैं रोकड़ पाक, ऐसा बोलते हैं कॉटन में, कॉटन के कपास को ऐसा बोलते हैं कि ये रोकड़ पाक है। एक और इसका एक मुहावरा भी है कि कपास के पैसे पल्ले में मिलते हैं, इसलिए कोई भी खेडूत है, काश्तकार, वो सबको यही होगा कि सबसे ज़्यादा से ज़्यादा कपास करें। और पिछले साल से सोइंग भी यहाँ ज़्यादा हुई है, पर यह नुकसान नहीं होता, और बारिश अच्छी तरह तो हुई है पर यह पिछली बारिश नहीं होती तो आज पुष्कर माल यहाँ पे सब जगह भरा हो रहता। जी रजनी भाई, आपने commoditiescontrol.com से बात की, इसके लिए आपका धन्यवाद।